लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हमने रेस्ट्रिक्शन समझी थी। रेस्ट्रिक्शन किसकी कर ली थी? इन्वेस्टमेंट इनकम की रेस्ट्रिक्शन कर ली थी। अब कर देते हैं एक स्पेशल इनकम हो गया था, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्पेशल रेट ऑप्टेड और नॉट ऑप्टेड, ठीक है? तो देखो, अगर आप लोग स्पेशल रेट ऑप्ट करते हो, अगर आप लोग स्पेशल रेट ऑप्ट कर लेते हो, तो कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ ना, मैं एक चीज प्रॉपरली पहले क्लियर कर रहा हूँ, उसमें मेरे को वापस से डाउट नहीं चाहिए। मैं एक चीज अभी ही क्लियर कर रहा हूँ, मुझे वापस से उसके अंदर कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन उसके अंदर नहीं आना चाहिए। मैं अभी एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, ढंग से समझना, इसके अंदर वापस कभी डाउट नहीं आना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन फॉरेक्स एसेट, मतलब इन एसेट के लॉन्ग टर्म गेन की ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म स्पेशल स्पेसिफाइड इनकम मानी लॉन्ग टर्म गेन, वो कौन सा था? फॉरेक्स एसेट से। मैं बात सुनना, मैं यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म गेन की बात कर रहा हूँ वो फॉरेक्स एसेट का ही है, शेयर, डिबेंचर, डिपॉजिट, इन्हीं का, ठीक है? कहीं पे भी, कहीं पे भी ये मत सोचना कि मैं प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इनकी बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज पहले क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूज नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, आप सॉरी, आपने लैंड एंड बिल्डिंग, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी, कार बेच दी, गुडविल बेच दी, तो एक बात ध्यान से सुनना, वो स्पेसिफाइड इनकम नहीं है, वो स्पेसिफाइड इनकम नहीं है। यहाँ पर हमने क्लियर लिखा था स्पेसिफाइड इनकम के अंदर, इनकम आउट ऑफ फॉरेक्स एसेट। फॉरेक्स एसेट के नाम और उससे होने वाली इनकम मैंने आपको समझाई थी, तो शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, अगर इनको हम लोग सेल करते हैं तो वो जो लॉन्ग टर्म गेन होगा, शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर अभी भी नहीं है, वो जो लॉन्ग टर्म गेन होगा, मैं केवल उसी की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैं जो लॉन्ग टर्म गेन की बात कर रहा हूँ वो फॉरेक्स एसेट का है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कार, गुडविल, इन सब का नहीं है। ये दिमाग में क्लियर है ना? अब क्लियर है ना ये दिमाग में, यस और नो? तो अब इसका ध्यान रखना ना, अगर लैंड एंड बिल्डिंग से होता है, प्लांट एंड मशीनरी से, कार, इंटेंजिबल एसेट्स, अगर इनसे कोई गेन हो रहा है ना, तो उस पर नॉर्मल टैक्स की रेट ही एप्लीकेबल होगी, उस पर ये सारी रेट्स एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप अगर स्पेशल रेट ऑप्ट करते हो, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन होता ना, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा पंगा है, एक एनआरआई को फॉरेक्स एसेट में स्पेशल रेट ऑप्ट नहीं करने पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आप चाहे स्पेशल रेट लो या नहीं लो, इंडेक्सेशन तो नहीं कर पाओगे। और अगर किसी को याद हो, अगर किसी को याद हो, भी बहुत पुरानी बात हो गई, बीकॉम की बात हो गई इसलिए, और अगर एमकॉम में जिसने टैक्स प्लानिंग ले रखी है उसको याद होना चाहिए कि हम लोग जब डिडक्शन देते हैं तो उसके लिए पहले शॉर्ट अमाउंट निकालते हैं। शॉर्ट अमाउंट, शॉर्ट अमाउंट जैसे एक कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को, जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म गेन को लेस कर देते हैं। तो एक्चुअली वही
वही लाइन में मैं शॉर्ट अमाउंट को कॉन्सेप्ट इसलिए चलाता हूँ ताकि ये नोट्स याद नहीं रहते। तो एक बार इसको समझो ना, वो भी समझा दूंगा। तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन फॉरेक्स एसेट, चाहे स्पेशल रेट लो या नहीं लो, इंडेक्सेशन तो नहीं कर पाओगे। सिमिलरली नो डिडक्शन, और यहां पे भी नो डिडक्शन और नो बेसिक एग्जम्पशन, जो 2,50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए कितनी है 3,00,000 और सेम। और अगर आप लोगों को टैक्स का फॉर्मेट याद हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता है, इसको छोड़ दो, नॉर्मली जनरली लॉन्ग टर्म गेन पे कितना टैक्स लगता है, कैजुअल पे कितना लगता है 30, और लॉन्ग टर्म पे कितना लगता है, तो ये तो हमें अलग से याद है ना कि इसमें बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती है, इसमें बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती है। आई बात समझ में? ओके चलो, एक लास्ट पॉइंट है, ये जो हमने सब कुछ पढ़ा ना अब तक वो सब कुछ है अंडर सेक्शन 115 I के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सुनना, नेक्स्ट और IMP चीजें हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 115 F। ये एग्जम्पशन कब मिलेगी? याद आया कुछ? हाउस से हाउस ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पे फॉरेक्स एसेट को सेल करके फॉरेक्स एसेट ही वापस परचेज करें तो उसको क्या मानेंगे? एग्जम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 115 F। कितनी? तो फॉर्मूला लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन में नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय तो देखो अब मेरी बात शॉर्ट एंड स्वीट वे में समझना। बहुत सारी रामायण हो गई और काफी लोगों के काफी कंफ्यूजन भी हो गया, तो मेरी बात को बिल्कुल सिंपल वे में समझना। Specified person has specified income तो उसके पास दो ऑप्शन है, स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट, जो उसके फायदे में हो, जो उसके फायदे में हो। स्पेसिफाइड पर्सन था हमारे लिए NRI, स्पेसिफाइड इनकम दो स्पेसिफाइड इनकम है, इनकम फ्रॉम फॉरेक्स एसेट्स, और पता है मैंने आपको ना उस टाइम में बोला था क्वेश्चन में अगर ये 1 or 2 मार्क्स का क्वेश्चन मारता है, मतलब MCQ वगैरह में,
तो जो आपने स्टार्टिंग बताया था ना स्पेसिफाइड इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो गलत है। इनकम फ्रॉम फॉरेक्स एसेट, ये इसका करेक्ट आंसर है। उस टाइम फर्स्ट डे भी जब आपने कोई लिखवाई थी तब यही समझाया था। उससे अब फॉरेक्स एसेट से कौन कौन सी इनकम होती है वो एक अलग बात हो गई, बट इनकम तो फॉरेक्स एसेट होती है, ठीक है ना। तो समझ लें, एक इन्वेस्टमेंट इनकम और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर टैक्स की रेट है नॉर्मली 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स की रेट है 10%। तो ये सारी बात इसी की चल रही है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पास ऑप्शन है नॉर्मल टैक्स रेट का। अब ये नॉर्मल टैक्स रेट क्या है भाई, वो समझ लेते हैं। तो नॉर्मल टैक्स रेट, टैक्स सबको निकालना यहाँ पर था शायद मेरे हिसाब से, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम अननोन इनकम ये सब जो होता है उसके ऊपर 30%, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, टैक्स ऑन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, टैक्स ऑन डिविडेंड ऑफ इंडियन कंपनी ओवर रुपीज 10 लाख 10%, ठीक है। इसके बाद में ठीक है, एमकॉम वालों के लिए तो ये तीन ही काम में आएगी, मतलब बाकी सारी एक बार लिखा नहीं होती तो सारी लिखा रहा हूँ, बाकी कोई इतनी खास बात नहीं, तीन ही आएगी काम में ना। और फिर टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम 0 से 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 30%, ग्रॉस टैक्स एड एजुकेशन सेव एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेव, सॉरी मतलब हेल्थ सेव, एट द रेट ऑफ 4% नेट टैक्स। कंपेयर कर लो नॉर्मल रेट से और स्पेशल रेट से, दोनों से टैक्स कंपेयर कर लो, जिससे टैक्स कम आएगा वो टैक्स पेबल होता है। तो लेस टीडीएस डिडक्टेड दिया जाएगा आपका टैक्स पेबल। तो देखो करना क्या है, यहां से लेनी एक बार है ना, एक बार स्पेशल रेट काम में लेके टैक्स निकालो, एक बार नॉर्मल रेट काम में लेके टैक्स निकालो, ठीक है। और फिर दोनों से जो टैक्स कम आएगा, दोनों से जो टैक्स कम आएगा वो यहाँ ले लेंगे, जितना टीडीएस लेस हो गया वो लेस कर देंगे और टैक्स पेबल आ जाएगा। आई बात समझ, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ ना मैं, सुनना मेरी बात को ढंग से, एग्जांपल से ज्यादा चीजें क्लियर होती है बजाय ये सब लिखाने से मेरे हिसाब से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम पब्लिक कंपनी 3 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम पब्लिक कंपनी कितना है 3 लाख, और
चलो अभी इतना ही रखते हैं, अदर इनकम ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं 2 लाख और 1 लाख, है ना? ठीक है, अब आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, समझना मेरी बात को अच्छे से। यहां पे आपको क्या करनी है, टैक्स की कैलकुलेशन। अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, सुनना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड इनकम है या नहीं है? स्पेसिफाइड इनकम है या नहीं है? ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, स्पेशल रेट्स, नॉर्मल रेट्स। ढंग से टैक्स निकालना, ढंग से समझना है, अगर ये समझ लिया तो आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। अगर मैं स्पेशल रेट लेता हूँ तो स्पेशल रेट किसके ऊपर लगेगी, केवल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे। तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने की इनकम है, 2 लाख की, स्पेसिफाइड टैक्स रेट कितनी है, 20%, टोटल कितनी हो जाएगी, 40,000। फिर टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, तो देखो रिमेनिंग इनकम कितनी बची, टोटल इनकम 3 लाख की थी, टोटल इनकम 3 लाख की, 3 लाख में से 2 लाख पे तो टैक्स लग चुका है, 3 लाख में से 2 लाख पे टैक्स लग गया, तो बचे कितने, तो 3 लाख की इनकम थी उसमें से 2 लाख पे टैक्स लगा चुके हो, तो बचे कितने, 1 लाख। 1 लाख पे हमारा नॉर्मल रेट क्या बोलता है, 0 से 2.5 लाख तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स आया 40,000, उस पर हेल्थ सेल्स वगैरह ऐड करनी। अगर मैं नॉर्मल रेट लेता, स्पेशल रेट ऑफ नहीं करता, तो टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, ठीक है, तो रिमेनिंग इनकम पे टैक्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे आपने 2 लाख रुपए अलग से क्यों टैक्स लगे हैं, मैं नॉर्मल रेट ऑफ कर रहा हूँ भाई, और नॉर्मल रेट ऑफ करते टाइम मैंने कहीं पे भी इंटरेस्ट के ऊपर कोई स्पेशल, देखो ये स्पेशल रेट्स, ये सारे स्पेशल रेट्स हैं, एक बार देखो मैंने कहीं लिखा है क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये नॉर्मल रेट्स लिखे हैं, देखो ये नॉर्मल रेट्स थी, इस पे कैजुअल है, लॉन्ग टर्म है, ट्रिपल ए का शॉर्ट टर्म है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड भी है, कार्बन क्रेडिट भी है, पर कहीं भी इंटरेस्ट के लिए ऊपर स्पेशल रेट है क्या, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर स्पेशल रेट ऑप्ट करते हो तो इंटरेस्ट को स्पेशल इनकम मान लेंगे, नहीं तो वो रिमेनिंग इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो रिमेनिंग इनकम कितनी मानेंगे, पूरी के पूरे 3 लाख। तो भाई हमारा नियम क्या बोलता है, 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 3 लाख कितना डिफरेंस है, 50,000, 5% कितना जाएगा, 2,500। अब आप बताओ उसको स्पेशल रेट ऑप्ट करने से फायदा है या नॉर्मल टैक्स रेट ऑप्ट करने से, तो ऑब्वियसली भाई मैं ग्रॉस टैक्स दे रहा हूँ, एजुकेशन से ऐड नहीं करा, करना था, ठीक है, तो अब हम उसको फायदा किसमें है, ऑब्वियसली इसके अंदर ही फायदा है भाई, ये तो गारंटीड है ना कि फायदा केवल 2500 वाले के अंदर है, तो उसको स्पेशल रेट ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। अब किसी के दिमाग में जरूर आया होगा, जरूर किसी दिमाग में आया होगा कि ऐसे तो हमेशा ये ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा, जरूर गारंटेड किसी के दिमाग में आया होगा कि हमेशा ये ऑप्शन बेनिफिट रहेगा। तो समझना, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं वही 2 लाख है, पर अदर इनकम जो है वो 1 नहीं 10 लाख है, टोटल इनकम कितनी हो गई, 12 लाख, लगाओ टैक्स, दो ऑप्शन पकड़ो, जस्ट ट्राइंग टू क्लियर ऑल कंफ्यूजन्स।
मैं चैप्टर कराने में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके बैठूंगा, 2 दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन बेस क्लियर नहीं होगा। मेनली सीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके लिए पूरा प्रॉपर बेस क्लियर करके चल रहा हूँ, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है? क्योंकि नॉन रेजिडेंट में से 4 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, दैट्स वाई। तो देखो, अगर मैं स्पेशल रेट ऑफ करता हूँ तो इंटरेस्ट पे कितना टैक्स लगेगा? इंटरेस्ट पे 2 लाख है। स्पेशल रेट में इंटरेस्ट पे टैक्स कितना? 20%, 40,000। रिमेनिंग इनकम कितनी है भाई? 12 लाख थी, 2 लाख पे ये लग गया, 10 लाख बची रिमेनिंग इनकम। तो 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना डिफरेंस आया? 2.5 लाख उस पे 12,500, और 5 लाख से 10 लाख तक, मतलब 5 लाख का 20%, तो टैक्स रेट कितनी हो जाएगी? 1 लाख। टोटल टैक्स कितना हुआ? 1,42,500, उसमें सेज वगैरह, सॉरी, 52,000। ये तो ही एक बात। उसी तरह से अगर मैं नॉर्मल रेट ऑप्ट करता तो पूरा का पूरा किसमें चल जाता? टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम 12 लाख। तो 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 5%। 5 लाख से 10 लाख तक, मतलब 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 20%। और 10 लाख से 12 लाख तक 2 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 30%। और टैक्स कितना हो गया? 1,72,500। तो अब क्या ऑप्ट करनी चाहिए? अब क्या ऑप्ट? स्पेशल रेट्स। तो मैं बात समझो, हो सकता है कि कभी नॉर्मल रेट से बेनिफिट मिले तो हम लोग नॉर्मल रेट ले लेंगे, स्पेशल रेट से बेनिफिट मिले तो स्पेशल रेट ऑफ कर लेंगे। मतलब ये हमारे पे डिपेंड है। ऑप्शनल का मतलब है ये ऑप्शन आप लोगों को मिला है ना कि किसी और को। ऑप्शन आप लोगों को मिला तो आप लोग रिलैक्स करके ये चीज ऑफ कर सकते हो। आई बात समझ में सबके? दोनों एग्जाम्पल क्लियर है क्या? यस और नो? तो कल से इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेंगे हम लोग बुक में से, जो आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं कल वो पिक करेंगे। अब तक का सब कुछ सेट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक कर दो। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी, लेकिन